बिल्कुल, देखिए गुंजन, वहाँ पर झांकियाँ निकल रही हैं और यहाँ पर आध्यात्म की बहुत सारी झांकियाँ हैं। इस वक्त मैं सरयू तट पर पहुँच गया हूँ, नया घाट में। एक संत आए हैं गोरखपुर से, और ये सारंगी वाली जो संगीत, संगीत को आप समझती हैं महाराज जी, कुछ सुनाइए दीपावली पर राम के वन आगमन से कुछ जुड़ा सुना। अरे वो सुना भाई, वन के पहुँचावल जा तो अब न सुनावी, वन में पहुँचा के ओकरे बाद कड़ी कड़ी से जब समझावल जाए तब न पहुंचाई, तब तक हमारा जिस बात कर लेते हैं। ये बताइए, हाँ हो रही जय जय कार राम नगरिया में, हे जोगी बाबा आपकी कृपा से बहुत अच्छा काम हो रहा, जय मोदी सरकार की राज चले, सरकार बराबर चले। देखिए ये आशीर्वाद मिल रहा है संतों का, ये बता संत सरकार बना यहाँ चलाते हैं। ये बताइए महाराज जी की अयोध्या में संतों की बड़ी भूमिका है, तो क्या विकास हो रहा है, दीपोत्सव किस तरीके से देख रहे हैं आप? देखिए दीपोत्सव तो बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ जी एक पीठ के महंत हैं और वो खुद ही संत हैं, तो इसलिए जो है योगी जी का ये पहल बहुत अच्छा है, सराहनीय है, और देश विदेशों में भी दीपोत्सव का नाम हो रहा है, और विकास जो चल रहा है वो तो लगातार चल ही रहा है। दीपोत्सव में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी भी आ रहे हैं, इस बार जो है दीपोत्सव का और भी जो है बढ़ाया गया एरिया, जो नया राम की पैड़ी बनी हुई है आगे, वहाँ तक 14 लाख दियों को जो है आज पिछले 3 दिनों से जो है सजाया जा रहा है। आज जो है शाम को आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, योगी जी के नेतृत्व में दीप पर देखिए एक बार तस्वीर भी दिखा देते हैं। देखिए ये नया घाट है, जो कि राम की पैड़ी पर जाना आज अलाउ नहीं है, तो ये पूरी तस्वीरें हैं गुंजन, नया घाट पर स्नान हो रहा है, और यहाँ पर जो राम की पैड़ी का क्षेत्र है, जो वीणा घाट है, वो पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है, एसपीजी के कवर में है, वहाँ पर केवल वॉलेंटियर ही जा पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, आपने तस्वीरें दिखाई नवाघाट पर किस तरीके की तस्वीरें हैं, सुबह सुबह स्नान हो रहा है, लेकिन वीरेश जी भी कहीं पर मौजूद है, उनसे जानेंगे जहां पर वो मौजूद है वहां पर अयोध्या कैसी नजर आ रही है। गुंजन मैं कहीं पर नहीं बल्कि राम की पैड़ी जो केंद्र बिंदु है वहां पर मौजूद हूं, और दर्शकों को यहां की छटा जरूर दिखाऊंगा। ये जो सरयू का पानी है किस तरीके से कल कल छल छल करके बह रहा है, और साथ ही दीपोत्सव के आयोजन का 18 लाख से सजा हुआ ये दीप, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार दीपोत्सव 2022 में पहुँच रहे हैं। वर्ष 2017 में योगी आदित्यनाथ की सरकार यूपी में बनने के बाद अयोध्या में दीपोत्सव के कार्यक्रम आयोजित करना शुरू कर दी थी। दीपोत्सव के इस छठे संस्करण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के राजा के रूप में प्रभु श्री राम के लंका विजय से लौटने के बाद प्रतीकात्मक राज्याभिषेक करेंगे। श्री राम कथा पार्क में इसका आयोजन होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नया घाट पर सरयू जी की आरती भी करेंगे, और प्रधानमंत्री तो करेंगे लेकिन जो मुख्यमंत्री हैं वो शोभा यात्रा का निरीक्षण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीपोत्सव के मौके पर पहली बार अयोध्या आगमन पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। दीपोत्सव तो हर वर्ष मनाया जा रहा था 2017 से, लेकिन इस बार की छटा बड़ी निराली है। इसको लेकर कई प्रकार की शोभा यात्रा निकाली जा रही है, जिसे हमारी सहयोगी गुंजन ने दिखाया। इसमें भगवान राम के जीवन चरित्र, उनके कार्यों के बारे में बताया गया है। प्रधानमंत्री मोदी के आगमन के पहले मुख्यमंत्री योगी इन शोभा यात्राओं का निरीक्षण करेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री रामकथा पार्क में पहुंचकर शोभा यात्रा का अवलोकन करेंगे। प्रधानमंत्री की अगर कार्यक्रम की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रभु श्री राम की जन्मस्थली अयोध्या में बनाए गए श्री राम लला विराजमान के अस्थाई मंदिर में दर्शन और पूजन भी करेंगे। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि पर बन रहे भव्य मंदिर निर्माण की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। श्री राम जन्मभूमि के पास टेंट भी लगाया गया है, सुबह से ही सभी तैयारियां फाइनल टच दे दी गई हैं। राम की पैड़ी पर आप देख सकते हैं कि क्या छटा है, 1.5 दर्जन देशों के राजदूत के पहुंचने का भी अनुमान है। राम की पैड़ी पर हर होने वाले भव्य दीपोत्सव और प्रभु श्री राम के अयोध्या आगमन के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला ये दीपोत्सव कार्यक्रम बहुत भव्य होगा, क्योंकि इस बार करीब 1.5 दर्जन देशों के राजदूतों के पहुँचने का अनुमान किया जा रहा है। सांस्कृतिक विरासत के भव्य प्रदर्शन के दौरान
प्रदेश की विकास योजनाओं को लेकर विभिन्न देशों को आकर्षित करने का प्रयास सीएम योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके जरिए इन्वेस्टमेंट भी किया जाएगा, अध्यात्म के जरिए यहाँ पर जो विदेशी राजदूत आएंगे उन्हें आकर्षित किया जाएगा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था, व्यवस्था सुव्यवस्था सब कुछ बना हुआ है, इसलिए आइए निवेश कीजिए, उत्तर प्रदेश को सर्वोत्तम प्रदेश बनाइए। और उसके लिए मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री आह्वान करेंगे और राम की पैड़ी की ये छटाई, ये जो दीपक हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसमें तेल और बाती पड़ेगा। तो इसका कार्यक्रम भी निर्धारित है, शाम को लगभग 2 बजे के आसपास इसमें तेल डाला जाएगा। 18 लाख दियों से सजा राम की पैड़ी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी गंगा पर, दर्शक अपने घरों में बैठ कर देख रहे होंगे गुंजन। और यहाँ की जो छटा है, यहाँ की जो दृश्य है, बहुत कम लोगों को यहाँ के आने की अनुमति है, केवल वॉलंटियर्स आए हैं, लेकिन एबीपी गंगा की टीम पहुँच गई है अनुरोध और विनती करके। और मैं फिर एक बार जो लेजर की छटा होगी जो दिखाई जाएगी उसे दर्शकों को दिखाऊंगा कि ये जो पानी के अंदर सरयू के अंदर यंत्र और तंत्र लगाए गए हैं, ये लेजर को प्रदर्शित करने के लिए वो सारे यंत्र तंत्र की व्यवस्था की गई है। और वो जो दीवाल जो सामने दिखाई दे रही है इस पर लेजर के जरिए रामायणकालीन दृश्य का चित्रण होगा, इसका प्रदर्शन होगा और इसका अवलोकन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री और जो विदेशी राजदूत और माननीय गणमान्य अतिथि करेंगे। और तमाम मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के यहां पर आए हैं और आ रहे हैं, ऐसे में पूरा प्रशासन शासन जो अयोध्या का है वो पूरी तरीके से चाक चौबंद है। और आप देखिए सरयू पे जी, एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।